साथियों, गुजरात भवन के बाद अब गर्वी गुजरात सदन की उपस्थिति अनेक तरह की नई सहूलियत लेकर के आएगी। मैं इस बिल्डिंग के निर्माण से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं, जिन्होंने तय समय से पहले इस शानदार इमारत का निर्माण किया। दो साल पहले सितंबर में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था और आज सितंबर के प्रारंभ में ही इसका उद्घाटन करने का मौका मुझे मिला है। मुझे खुशी है कि समय पर प्रोजेक्ट्स पूरा करने की एक आदत सरकारी संस्थाओं में, सरकारी एजेंसियों में विकसित हो रही है। और जब मैं गुजरात में था तो मैं डंके की चोट पर कहता था कि जिसका शिलान्यास मैं करता हूं उसका उद्घाटन भी मैं ही करूंगा। और उसमें अहंकार नहीं था, सार्वजनिक कमिटमेंट रहता था उसमें। और उसके कारण मेरे सभी साथियों को इन कामों को लिए जुटे रहना पड़ता था और उसे परिणाम भी मिलते थे। और इस कार्य संस्कृति को न सिर्फ हमें अपनाए रखना है बल्कि हर स्तर पर इसका विस्तार होना बहुत जरूरी है। साथियों, ये सदन भले ही मिनी गुजरात का मॉडल हो लेकिन ये न्यू इंडिया की उस सोच का भी प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसमें हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को, हमारी परंपराओं को आधुनिकता के साथ जोड़ करके आगे बढ़ने की बात करते हैं। हम जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं, आसमान को छूना चाहते हैं। और इस भवन में जैसे बताया गया इको फ्रेंडली, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिसाइकलिंग, वैसे आधुनिक सिस्टम्स का भी भरपूर उपयोग है, तो दूसरी तरफ रानी की वाव का भी चित्रण है। इसमें जहां सोलर पावर जनरेशन की व्यवस्था है वहीं मोढ़ेरा सूर्य मंदिर को भी जगह मिली है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की आधुनिक तकनीक के साथ ही इस इमारत में कच्छ की लिप्पन कला के आर्ट को भी वहां पर जगह दी गई है, जिसमें पशुओं के वेस्ट को आर्ट की शक्ल दी जाती है।